हम सब की लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जब हमें ये चूज करना होता है कि हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। कुछ फॉलो करते हैं अपना पैशन और कुछ पूरा करते हैं अपने पेरेंट्स का सपना। मेरी लाइफ में भी एक ऐसा वक्त आया, मैंने चूज किया सीए बनना, द चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए को चूज करने से लेकर सीए बनने तक की जर्नी में मैंने बहुत सी गलतियां की और कुछ डिसीजन मैंने गलत लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं सीए कैसे बना और मैंने क्या गलतियां की, ताकि उन गलतियों से सीखकर आप भी अपनी लाइफ में वो अचीव कर सके जिसका सपना आप देखते हैं। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उसको अचीव करना, उसको पूरा करना, ये सबके बस में नहीं होता। सपने वही अचीव करते हैं जो हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ अपने गोल को फॉलो करते रहे। तो कुछ ऐसी है मेरी भी जर्नी सीए बनने की। बात है ईयर 2007 की, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये डिसाइड किया कि मुझे करना है सीए। और जब मैंने ये बात अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को बताई, तो उन्होंने भी वही किया जो एक अच्छे रिश्तेदार करते हैं। आपको पता है वो क्या है? डीमोटिवेट करना। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, आप अपनी लाइफ में कुछ भी करने वाले होगे ना, कुछ नया स्टार्ट करने वाले होगे, तो ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपको इस बात का एहसास कराएंगे कि आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा एक सजेशन है कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। क्योंकि यार डीमोटिवेट करने वाले लोग तो हर जगह पर हैं, किसके किसकी सुनते रहोगे। वही मेरे साथ भी हुआ। मेरे फ्रेंड्स जो भैया थे, उन्होंने मुझे एग्जांपल दिया कि कोई उनका रिलेटिव है पिछले 10 साल से सीए कर रहा है, नहीं कर पाया। इस तरह के लोगों ने मुझे डीमोटिवेट किया, लेकिन बॉस मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि करना है तो सीए। तो बस मैंने भर दिया फॉर्म और आगे एंट्रेंस एग्जाम का दिन। एंट्रेंस एग्जाम को मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया और मैं ऑफिशियली एंटर कर गया सीए के कोर्स में। जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं, सीए 3 लेवल पे होता है, सीपीटी, फिर होता है आईपीसीसी और फिर होता है फाइनल। इसके बीच में आपको 3 साल की ट्रेनिंग करनी होती है। तो जब मैंने सीपीटी पास किया तो उसके बाद मैं एंटर कर गया आईपीसीसी में और मैं ऑफिशियली सीए कोर्स में परस्यू करने लगा। इसके बाद स्टार्ट होती है मेरी रियल जर्नी की। आईपीसीसी का पहला अटेम्प्ट था, मुझे अच्छे से याद है, एग्जाम बड़ा अच्छा हुआ था, बड़ा कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि मैं इस बार तो आईपीसीसी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर ही जाऊंगा। रिजल्ट का दिन आ गया, कंप्यूटर में मैं बैठा हुआ था, मुझे याद है मेरे जस्ट पीछे मेरी मम्मी खड़ी हुई थी। मैंने अपना रोल नंबर डाला, एंटर किया, वो जो होता है नहीं कंप्यूटर पे गोल गोल घूमता है, जब वो घूम रहा था मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन जब वो स्क्रीन पे आया ना तो मुझे लग रहा था मैं तो पास ही हूं, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पे लिख करके आया फेल। पीछे मेरी मम्मी भी अपसेट हो गई और मैं भी अपसेट हो गया। मेरे मन में अजीब अजीब थॉट्स आ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो लोग मुझसे ये कह रहे थे कि तुम नहीं कर पाओगे, कहीं ऐसा तो नहीं उनकी बात सच थी, क्या मुझसे क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैंने सोचा यार अभी तो फर्स्ट अटेम्प्ट है यार, इतनी जल्दी क्या डिसाइड करना, अगली बार और मेहनत करेंगे, पूरा 100% झोंक देंगे, पर क्यों नहीं निकलेगा। सीए में जो एग्जाम्स होते हैं वो साल में 2 बार होते हैं, मई में एंड नवंबर में। तो मई में मैं हो चुका था फेल, मैंने नवंबर में और मेहनत करी, सब कुछ झोंक दिया और फिर मैंने दिया अपना सेकंड अटेम्प्ट और आ गया उसका भी रिजल्ट का दिन। और इस बार भी जो रिजल्ट आया वो आया था फेल। अब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, मुझे बिल्कुल भी इस चीज मतलब मैं इसको कैसे टैकल करूं, कैसे मैं इस चीज को साथ डील करूं कि एक बार खूब मेहनत करी फेल, दूसरी बार और ज्यादा मेहनत करी रिजल्ट सेम। फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, मैंने कहा अगर सीए चूज किया है ये डिसीजन मेरा था और मैं यहां पर आप लोगों से यही कहने वाला हूं, एक बार जो डिसीजन लो तो डट जाओ, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए,
आपको अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटना है। वही मैंने भी किया। मैंने कहा फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो चुका हूँ, दूसरी बार भी फेल हो चुका हूँ, अभी भी हार नहीं मानी। हर टाइम मैंने और ज्यादा मेहनत की और मैं अपीयर हुआ अपने तीसरे अटेम्प्ट में। और वो दिन फिर आ गया जिस दिन अनाउंस होने वाला था रिजल्ट। मेरे लिए जैसे सबके पेरेंट्स होते हैं मन्नत मन्नत मांग लेते हैं कि ये कर लूंगा वो कर लूंगा, मेरे पेरेंट्स ने भी कुछ ऐसा ही किया। और इस बार जब रिजल्ट आया तो स्क्रीन पर लिख के आया यू आर पास। मतलब अगर आपको पास होने की इंपॉर्टेंस ये पूछनी है ना, तो किसी ऐसे बंदे से पूछो जो अपनी लाइफ में फेल हो चुका हो। मैं दो बार फेल हो चुका था, मेरा कॉन्फिडेंस अगर मैं इस बार पास ना होता तो टूट चुका होता। लेकिन इस बार मैंने खूब मेहनत करी। मैं एक एक दिन में 18-18 घंटे की स्टडी करता था। मैंने अपने सोने के आर्ट्स कम कर लिए, अपने दोस्तों किससे मिलना जुलना छोड़ दिया। इवन जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे वो ये कहते थे कि ये सीए कर रहा है तो इसके अंदर बड़ा एटीट्यूड आ गया है, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है। लेकिन मैंने अपने फ्रेंड्स से मिलना जुलना छोड़ दिया। अपने रिलेटिव्स कि जो शादी या जो फंक्शन होता था मैं वहां भी नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि मुझे अपने सपने को अपने ड्रीम को अचीव करना था। अब किसी को लगता था कि भाई एटीट्यूड है या नहीं मिलता है, मुझे सब पता था कि लोग ऐसी बातें करते हैं, बट मुझे क्योंकि सीए बनना था, अपने नाम के आगे सीए लिखवाना था, इसलिए मैंने सिर्फ अपने गोल पर फोकस किया। और यहां पर मैं आपसे यही बात कहने जा रहा हूं, अगर आपने कोई गोल सेट करा है, अगर आपने कोई टारगेट रखा है अपने लिए, तो जब तक आप उसको अचीव ना कर लो उस गोल से आपको हटना नहीं है। आपका ध्यान आपका कंसंट्रेशन उस गोल पर होना चाहिए। जब तक उस गोल को अचीव नहीं कर लेंगे आपके लिए कुछ और सोचना गलत। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गोल के बारे में सोचना है और यही मैंने भी किया। जब तक मैं सीए नहीं बना मेरी लाइफ का सिर्फ एक मोटो था कि सीए करना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। वही मैंने किया और अब मैं पास हो चुका था आईपीसीसी। और अब बात आने वाली थी फाइनल की। अभी तक तो सिर्फ सेमीफाइनल चल रहा था, अब आ रही थी बात फाइनल की। तो फाइनल की जर्नी और ज्यादा मजेदार। मैं आ चुका था सीए फाइनल में। और मैं आपको बता दूं सीए फाइनल में होते हैं 8 सब्जेक्ट और 2 ग्रुप। आपको दोनों ग्रुप पास करना होता है, फिर आपको वो मिलेगा जिसके लिए आपने सीए कोर्स ज्वाइन किया था, नाम के आगे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो फाइनल का रूटीन कुछ ऐसा होता था, मैं आपको बताऊं कि उस समय तक हमारी जो ट्रेनिंग होती है जो आपको किसी सीए फर्म में करनी होती है तो वो स्टार्ट हो चुकी थी। अच्छा, उसके साथ ही आपको करनी पड़ती है आपकी कोचिंग क्लासेस, जो सब्जेक्ट हैं सीए के आपको कोचिंग क्लास करनी होती है। तो रूटीन मेरा कुछ ऐसा हो जाता था, मॉर्निंग क्लास जो होती थी वो थी 6:30 to 10:30। तो मैं सुबह 5:30 उठता था और 6 घर से निकल जाता था। ट्रेनिंग का जो टाइम था वो था 11 to 6, तो 11 to 6 ट्रेनिंग होती थी। और फिर शाम की कोचिंग होती थी वो 5:30 से होती थी। तो मैंने अपने ऑफिस में बोल रखा था कि सर मुझे छुट्टी थोड़ा सा पहले चाहिए। तो अब आप ये सोचिए, सुबह 6 मैं घर से निकलता था और मैं घर वापस कब आता था, रात में 9:30 पर। और ये जो पूरा रूटीन था ये चला करीब 6 महीने। 6 महीने तक सुबह उठना 5:30, 6 घर छोड़ देना, उसी बीच मैं नाश्ता लेके जाता था घर से तो वो भी मैं करता था। और फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करना। अगर मैं सीए की तैयारी कर रहा था तो जो मेरी मम्मी थी वो भी कम मेहनत नहीं कर रही थी, वो भी सुबह उठती थी, मेरे लिए खाना वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती थी, मुझे देती थी। तो मैं तो सीए कर ही रहा था, मेरे साथ उनका भी सीए चल रहा था। तो जिस दिन मैं सीए बना उस दिन सिर्फ मैं सीए नहीं बना, मेरे पेरेंट्स भी उस दिन सीए बने। तो ये जो रूटीन था सुबह 6 निकल जाना, रात में 9-10 घर आना, ये 6 महीने तक चला।
और फ्रेंड्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, मुझे अपना सीए फाइनल क्लियर करने में 5 साल लग गए। आपने सही सुना, 5 years। मैंने एक अटेम्प्ट लिया, रिजल्ट आया फेल, दूसरा अटेम्प्ट रिजल्ट फेल, तीसरा अटेम्प्ट फेल, चौथा अटेम्प्ट फेल, इस तरह करते 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 करीब 8 अटेम्प्ट फेल। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मेरा आई थिंक 7th या 8th अटेम्प्ट था, तो सीए में एक ग्रुप को पास करने के लिए आपको मिनिमम 200 मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, उस अटेम्प्ट में जो मेरे नंबर आए 196, मैं 4 नंबर से फेल हो गया था। वो एक ऐसा दिन आया था जब मुझे लगा कि मुझे सीए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूस मेहनत कर रहा था और उस कॉन्टिन्यूस मेहनत करने में जब रिजल्ट नहीं आता है ना, तो आप टूट जाते हो। और जब मैंने देखा रिजल्ट अपना कि मैं 4 नंबर से फेल हो गया, तो मैं सबके सामने तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं जब अपने रूम में गया हूं रात में, तो मैं रोने लगा। वो एक दिन था जब मैं अपनी पूरी सीए जर्नी की बात करूं, उस दिन मैं टूट चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं दोबारा कहां से शुरू करूं। सब कुछ करके देख लिया, बट वो पास नहीं हो पा रहा था। एक फ्रस्ट्रेशन से भर गई थी, घर वालों को भी लग रहा था पता नहीं सीए हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि पता नहीं अब मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आप सोच सकते हैं, सीए करते करते मुझे 8 साल हो चुके थे, 8 साल। वो एक ऐसा टाइम था कि मैं सीए छोड़कर कोई दूसरा कोर्स भी ज्वाइन नहीं कर सकता था, करना मुझे सीए था। फ्रेंड्स ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पर जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स भी चल रहा है जो पूरा हो चुका है, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स चल रहा है। मैं अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस आपको देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस फील्ड में करियर बनाने के बारे में सोचें। लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग इस फील्ड के बारे में सोचें कि हाँ ये भी वो फील्ड है जहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी फेलियर है, जो 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 गलतियां मैंने की और जो सही डिसीजन मैंने लिए, मैं आप लोगों को बता सकूं, ताकि आप लोग अपने करियर में वो अचीव कर सके जो आप चाहते हैं। तो फ्रेंड्स 8 अटेम्प्ट हो चुके थे मुझे सीए फाइनल करते करते, एक वक्त ऐसा आ गया था कि मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे सीए नहीं करना। और मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने अपनी मम्मी को, अपने पापा को ये बात बता दी कि मैं अब सीए नहीं करूंगा। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी जर्नी का पार्ट 1। आई होप आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। और फ्रेंड्स पार्ट 2 में हम देखेंगे, जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैंने सीए छोड़ दिया है, तो उनका क्या रिएक्शन था और मेरी जिंदगी में उसके बाद क्या बदलाव आए, मैंने सीए मैं नहीं कर रहा था तो मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा था, और दोबारा ऐसा क्या हुआ कि मैंने फिर एक बार सीए कोर्स को रीज्वाइन किया और मैं बना सीए। ये सारी चीजें जानने के लिए मिलते हैं पार्ट 2 में। एंड फ्रेंड्स ये अपने टाइप का एक पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं मैं अपनी जर्नी के पार्ट 2 में।